सभी भक्त जनों को सप्रेम नमः। तो आपकी एक जिज्ञासा आई है, क्या आप काला जादू मानते हैं? इससे बचने का क्या उपाय है? काला जादू शब्द बहुत प्रचलित है हम लोगों में, ब्लैक मैजिक। काला शब्द जब भी जुड़ जाता है किसी के साथ तो नकारात्मकता ही दिखलाने के लिए होता है। अक्सर दर्शन फिलॉसफी में तो जो तंत्र क्रिया है उसका जो नकारात्मक पहलू है, या कुछ भी हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता जो होती है, उसको कालापन कहा जाता है दर्शन शास्त्र में। तो यह आप सोचिए कि हम लोग का मन जब भय से, क्रोध से, काम से, इनमें से किसी चीज से जब पीड़ित हो जाएगा, तब वह निर्णय लेने में स्पष्ट रूप से समर्थ नहीं होगा। उसमें मोह का, द्वेष का, राग का, अहंकार का पर्दा चढ़ जाता है। और इन नकारात्मक भावों के कारण व्यक्ति अपना पतन करा लेता है। जब आप बहुत भयभीत होते हैं तो दो चीज करते हैं, भय से बचने की कोशिश करते हैं, सुखी होने की कोशिश करते हैं, और एक कोशिश और होती है जो उतना लोग समझ नहीं पाते हैं, और वह होती है कि जिससे भयभीत हैं उसको भयभीत करने की, यानी दूसरे को डराने की। हम डरे हुए हैं इसलिए दूसरे को डराते हैं। तो वह जो डराने की कोशिश होती है, वह नकारात्मकता होती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश होती है, स्वयं को सुखी करने के लिए भी अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़े तो वह भी व्यक्ति करता है। अपना हित हो जाए, दूसरे का हित हो जाए, तो वह भी व्यक्ति करता है। इस तरह के भाव वाले जो दूसरे के धन को, दूसरे के तन को, दूसरे के मन को, दूसरे के जन को, दूसरे की पद प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो इस तरह के लोग जो एक लंबी लकीर नहीं खींच सकते किसी लकीर के सामने में, तो वे सामने वाले की लकीर मिटाते हैं। रेस में जीत नहीं सकते तो लंगड़ी मार करके दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मनोभाव वाले, विचार वाले, शक्तियों वाले, इस तरह के कर्म करने वाले, यही लोग
काले लोग हैं और इनके कर्म ही और विचार ही और भाव ही वह काला जादू है, और काला जादू और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के इस तरह के भाव विचार और कर्म स्वभाव ये सब सब काला जादू है। इससे जो निकलेगा काला ही निकलेगा, जो निकलेगा नुकसान पहुंचाने वाला। तो काला जादू में क्या होता है, विद्वेषण यानी द्वेष पैदा हो जाए तो लोगों के बीच में, विद्वेषण उच्चाटन, जहां वो रहता है वहां से उसका मन उछट जाए, जहां वो रहता है या जिससे वो जिसको चाहता है या जिस तरफ चलता है, जो चीज कर रहा है उससे उछट जाए, उच्चाटन। मोहन यानी मोहित हो जाए, किसी से मोहित हो जाए, किसी के मोह पास में फंस जाए, जो चीज वह नहीं चाहता है वह उसको करा दिया जाए मोहित करके, उसकी स्वतंत्र सोच नहीं रहने दी जाए, उसको अपने जाल पास में फंसा लिया जाए, वह विचारवान नहीं बन पाए, विवेकवान नहीं बन पाए, उसको मूढ़ बना दिया जाए, उसको मानसिक रूप से पंगु बना दिया जाए, उसको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाए, मोहन होता है। और उसी तरह से सम्मोहन होता है, जो उसे चाहे वो करा ले हिप्नोटाइज करके। हिप्नोसिस क्या है, काला जादू ही तो है। तो जब हम सम्मोहित करके अगर हम अच्छे काम करा रहे हैं तो फिर वो काला जादू नहीं आएगा। अगर हमारी नेक नियति है, जैसे उसका स्वास्थ्य खराब है, हम उसको स्वस्थ करने के लिए सम्मोहित कर रहे हैं, तो वह काला जादू में नहीं आएगा। लेकिन जब हम कुछ उसका अहित करना चाह रहे हैं तो काला जादू में आ जाएगा, क्योंकि हमारे मन में खोट है, कालिख पुती हुई है, तो वह काला जादू है। मारण यानी जब हम सब चीज से वो हार गए तो अंत में मारना, किसी तरह से उसको मार दिया जाए। मारने के लिए 10 तरीके अपनाए जाते हैं, उच्चाटन के लिए भी 10 तरीके अपना, कई तरीके हैं। तो किन किन विधियों से उसको मार दिया जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि अब ये जो है काला जादू का असर नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। काला जादू का असर तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारा मन काला है, हमारे भाव काले, हमारे विचार काले हैं। कुछ तथाकथित साधु लोग ऐसा सोचते हैं कि ओहो अब तो जमाना बहुत एडवांस हो गया, अब तो लोग जो है कंप्यूटर और मोबाइल इस सब में चल रहे हैं, अब तो रॉकेट का जमाना है, तो अब कहाँ काला जादू। काला जादू का इस टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उसका विचार भाव और कर्म और स्वभाव से मतलब है। और जब तक हम इस तरह से अनधिकृत चेष्टा करते हैं तो हमारे में वह कालापन आता है, और उसके लिए हम कोई स्टेप उठाते हैं, किसी की कंपनी को हड़प लेना, किसी के माल को हड़प लेना, ये क्या है, ये कालापन ही तो है। लोगों को ठग लेना शेयर के नाम पर, धोखाधड़ी करना, किसी के अकाउंट से खाता से पैसे उड़ा लेना, सब क्या है, काला जादू है। सम्मोहित करके उसे पूछ लेते हैं, ठग के धोखा दे के पूछ लेते हैं, धोखाधन क्या है, काला है, ये काला जादू है। ऐसी ऐसी बात बोल देना कि वो झांसे में आ जाए, उससे अकाउंट नंबर पूछ लिए, उससे उसका पैन कार्ड नंबर पूछ लिए, उससे मोबाइल नंबर पूछ लिए, बहुत तरह से जो जो चीज़ चाहिए होता है डॉक्यूमेंट सब पूछ लिए, ओटीपी नंबर पूछ लिए, उसका पैसे उड़ा लिए। आजकल तो ऐसा भी चल रहा है कि लिंक जो है आपको भेज दिया गया, उसमें आपने छुआ, ऑन किया, बस आपका पैसा गायब। ये क्या काला जादू है, आधुनिक काला जादू है यह, पैसा ठगने का जादू काला जादू है। तो जो नई नई तकनीकें आती रहती हैं ना, तो नए नए ऑप्शंस खुलते रहते हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं सब विचार से और भाव से ही तो है, हमारी प्रवृत्ति से ही तो है, तो कालापन तो वहाँ है। तो इसलिए ऐसा सोच लेना कि अब ये ऐसा नहीं होगा, अब काला जादू नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
सदैव काला जादू होगा, क्योंकि हम लोग का दिमाग सदैव उस तरह से रन करता है। स्त्रियों को जो फंसा लिया जाता है भिन्न भिन्न तरीके का करके, लड़कियों को फंसा लिया जाता है लालच देके, कोई नौकरी का लालच देके फंसा दे रहा है, कोई पैसे का लालच देके फंसा दे रहा है, कोई किसी तरह से बरगला दे रहा है और फिर उसका शोषण कर ले रहा है, काला जादू है। उसके लिए जो टेक्निक है, तरीका है, वही है काला जादू का ही। तो आप कैसे उसको उच्चारण करते हैं, कैसे उसको मोहित करते हैं, कैसे सम्मोहित करते हैं, कैसे विद्वेष फैला देते हैं, एक दूसरे से लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं, और कैसे अंत में मार देते हैं, ये तरीके काला जादू का ये मूल चीज ये है। या नहीं है कि हम नींबू में डाल रहे हैं, मिर्चा में वो डाल रहे हैं और उसका खून निकल रहा है, वही काला जादू है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो मैंने बताया ना, ये कैटेगरी, ये वास्तव में काला जादू का है। अब इसके तहत हम क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं उसको संबोधित करने के लिए, फंसाने के लिए? अंधकार की तकनीक अपनाते हैं कि प्रकाश की तकनीक अपनाते हैं, कि उसको कैसे डरा देते हैं, कि कैसे भयभीत कर देते हैं, कैसे उसको लालच में फंसा लेते हैं, ये अलग बात है। तो ये काला जादू है और इसमें भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। आप लगातार किसी के बारे में चिंतन करते हैं, अपने सांस से चिंतन करते हैं, अगर विद्वेष का चिंतन करते हैं, अगर मोहन का चिंतन करते हैं कि नहीं वो हमारी ओर सम्मोहित हो जाए, लेकिन हर बार सांस से ही होना चाहिए, ये और ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन जो साधारणतः लोग होते हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं, तो वो बस वो कर्मकांडी तरीके से वो करते हैं, कोई सी मंत्र का उच्चारण करना, रात को जप करना, शमशान में जप करना। तो लोग पूछते हैं क्या इसका असर होता है? बिल्कुल होता है। जो कहते हैं नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं जानते हैं, इसके प्रभाव को नहीं जानते। हाँ, यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली बहुत है, मानसिक रूप से बहुत दृढ़ है, तो उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि अंततः सारा खेल माइंड का ही है, मस्तिष्क का ही है। मस्तिष्क पर कौन हावी होगा? सारा खेल उसका है। जिसका दिमाग मजबूत है उस पर असर नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जो करने वाला है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और असर उसी पर हो जाएगा। तो जो करने वाला होता है वह स्वयं वह अध्ययन करता है पहले, जिस पर करता है, कि क्या उस पर हमारा असर हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे डिजाइनिंग करता है वो, उसकी कमजोरियों को जानना, उसकी मजबूतियों को जानना, बहुत सारा उसको फीडबैक वो लेता है, उसके बारे में पता करता है, कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, किससे घुला मिला है, किससे उसका विद्वेष है, कहाँ क्या कर दिया जाए जिससे कि उसमें फूट पड़ जाए या हमारी ओर आ जाए, तो उस तरह के वो योजना बनाता है। यह तो हुआ उसके संपर्क में रह करके। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप अधिक कुछ, आपके पास आप जो कोई भी पहनते हैं या आपके शरीर का जो भी अंग है, चाहे आपके बाल हैं, चाहे आपका नाखून है, आप जो कपड़ा पहनते हैं वह, क्योंकि कपड़े से प्रतिनिधित्व होता है, या आपका फोटो है, लोग फोटो डाल देते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि आपने जो फोटो डाल दिया है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस फोटो के जरिए, जैसे फोटो से कैसे आपका आखिर जो बायोडाटा बनता है और बायोमेट्रिक्स बनता है, आपकी जो पहचान पत्र है, तो उसमें आपका फोटो पड़ता है, तो उसके जरिए तो आपको खोज लिया जाता है। तो उसी तरह से जब फोटो किसी के हाथ में आ गया, तो वहां से वो आपके ऊपर असर डाल सकता है, अगर उसका माइंड बहुत मजबूत है। और इतना याद रखिए, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, माइंड की ताकत और एकाग्रता ही मायने रखती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो
यह अभी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो नकारात्मक लोग होते हैं वे उतने मजबूत नहीं होते हैं। ये गलतफहमी है। नकारात्मक मस्तिष्क भी उतना ही मजबूत हो सकता है जितना कि सकारात्मक मस्तिष्क। अगर सबसे उच्च स्तर का सकारात्मक व्यक्ति है और सबसे उच्च स्तर का नकारात्मक व्यक्ति है, उन दोनों में युद्ध होगा तो बहुत भयानक युद्ध होगा। आसान नहीं है उसको हराना। तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि नहीं होगा। और आप बहुत लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े को दूसरे दूसरे को दान दे देते हैं, पुराने चीजों को अपना किसी को दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पहने हुए कपड़े और कुछ भी अगर किसी के पल्ले पड़ जाए और वो इस तरह का दिमाग वाला हो तो आपके जीवन में हस्तक्षेप तो कर ही सकता है। आपकी किसी भी चीज से आपके ऊपर प्रभाव छोड़ा जा सकता है। वह तो उसके माइंड के ऊपर है कि उसका माइंड कितना स्ट्रांग है, कितना एकाग्रचित है वह। अगर उसकी धारणा शक्ति बहुत मजबूत है तो निश्चित है वह किसी को भी आधार बना करके, वो चाहे नींबू का आधार बना ले, चाहे मुर्गा को बना ले, शराब की बोतल को बना ले, सिंदूर को बना ले, मिर्च को बना ले, लौंग को बना ले, किसी भी चीज को बना करके वहां से आपको प्रभावित कर सकता है। शर्त यही है कि आपकी एकाग्रता उससे कम हो और आप जो हैं लालच, मोह, क्रोध, अहंकार, वासना, इन सबसे ज्यादा ग्रस्त हो। अगर इन सबसे ग्रस्त हैं, यानी आप कंफ्यूजन के स्टेट में है। देखिए, जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वह कंफ्यूज नहीं होता है, इसी को समझ लेना चाहिए। आपने देखा होगा महाभारत में दुर्योधन जो है बहुत कंफ्यूज नहीं है, शकुनी बहुत कंफ्यूज नहीं है, उसका लक्ष्य है। कृष्ण भी कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज कौन है? बीच बीच वाले। तो जो नकारात्मक लोग हैं समाज में वे कंफ्यूज नहीं है। उनको पता है मुझे लूटना है, मुझे ठगना है, मुझे धोखा देना है, मुझे बरगलाना है, स्पष्ट है। तो वैसे का दिमाग टोटली नेगेटिव हो चुका है तो अब वह जो है आक्रामक मोड में है, क्षति पहुंचाने की। वह जो भी करेगा काला ही करेगा, उसके कर्म काले, उसके विचार काले, उसके भाव काले, सब कुछ उसका काला है। और जो साधु संत होते हैं वे बहुत सकारात्मक होते हैं और वो बहुत स्पष्टवादी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसके बीच के जो गृहस्थ लोग हैं, आम गृहस्थ लोग, जो थोड़ा बहुत ठग भी लेते हैं, कुछ पछता भी जाते हैं, कहीं लालच भी कर जाते हैं, कहीं दान भी दे देते हैं, कहीं किसी का ले भी देते हैं, किसी का दे भी देते हैं, इस तरह के लोग, इनका हर समय माइंड जो है ड्यूअलिस्टिक होता है। ये द्वंद में है, अंतर द्वंद में लगातार घिरे रहते हैं। किस कदम पर चलना है इनको पता नहीं है। कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी मजार भी जा रहे हैं। इतने कंफ्यूज लोग होते हैं ये सब। ये सोचते हैं कहीं से कुछ लाभ हो जाए, कभी इधर से कभी उधर से। अब ऐसे लोगों को वे नकारात्मक लोग हैं ना बहुत आसानी से फंसा लेंगे। और ऐसे ही लोगों की संख्या 99.9% है, समझ लीजिए आप, जो द्वंद वाले हैं। और 1% लोग हैं शुद्ध, जो नेगेटिव वाले हैं, जो एकदम ठग हैं। वे ज्यादा नहीं है, भलाई है कि 1-2% है जो एकदम शुद्ध है। उनके रेंज में आ गए अगर तो बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत होती है। वे तो खून पी जाएंगे। जो कांड, बड़े बड़े कांड हुए हैं, किसी ने खून पी लिया, नौकर से अपने छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करा लेता था, ये सब कौन है? ये सब सब काला जादू वाले हैं, ये सब सब ब्लैक मैजिशियन है, रियल मैजिशियन है ये सब। जिंदगी की हकीकत में ये काम करते हैं। इसीलिए जो आप कुछ समाज में काम करते हैं कहते, तो कई निगाहों से कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि निगाहों से बच के रहिए, तो वे गलत नहीं कहते हैं।
क्योंकि उनकी निगाह में भी वो हवस होती है, वो लालच होती है, वो कितनों को मर्डर कर सकते हैं, वो आपके सारी संपत्ति लूट सकते हैं, कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, ठगी धोखाधड़ी हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि वे कंप्लीटली नेगेटिव है और उनको कोई ग्लानि नहीं है, वे अपने गोल में अस्पष्ट है। और चूंकि आप अपने गोल में अस्पष्ट नहीं है, इसलिए आप उनके आसान शिकार हैं, आप उनकी चालों को नहीं समझ सकते। तो आपके लिए क्या है, आप उसको अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों से संपर्क ही मत रखिए, बच के रहिए। निश्चित ही, और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, कोई पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, पढ़ाई लिखाई इसमें बिल्कुल काम नहीं आएगी, और ऐसे लोग अक्सर फंस जाते हैं, सोचते हैं मैं तो पढ़ गया, पढ़ करके क्या करेंगे, आप में लालच है ना, उससे फंसेंगे, पढ़ाई से क्या होता है, आप में मोह है, उससे फंस जाएंगे, पढ़ने लिखने वालों को क्या मोह नहीं होता, होगा उसमें फंस जाएगा, वास्तव में आप फंसेंगे मोह से, लोभ से, क्रोध से, काम से, भय से, द्रोह से, पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई ना आपको बचा सकता है ना आपका बिगाड़ सकता है। और बहुत मैं देखता हूँ समाज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस विषय पर, भी ये सोचते हैं कि ओ मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मुझे कैसे वो ठगेगा, नहीं ठगेगा तो डरा तो सकता है, और उसके पास ठगने के बहुत तरीके होते हैं। आपकी बुद्धि जो है किताबी बुद्धि है, उसकी बुद्धि व्यवहारिक है, कितने का सोना ठग के ले जाते हैं, दुगना तिगुना बनाएंगे ये काके ले जाते हैं, कंपनियां ले जाती हैं कि अरे आप ये कर लेंगे, ठग इतने ज्यादा रूपों में आएंगे काला जादू वाले कि आप पहचान नहीं पाएंगे, वे कंपनी के वेश में आ जाएंगे, वे डिलीवरी बॉय के वेश में आ जाएंगे, आप पढ़े पढ़े लिखे लोग नहीं बनते क्या, कंपनियां भेजती है, पता चला आपने मोबाइल मंगाया और वहां पर कागज की दफ्ती आ गई, कई लोगों का ऐसा होगा। तो हर कदम पर ठगी है, और ये सब सब वही है, यही काला जादू है। जहां आपको थोड़ा भी लालच हुआ कि आप उसकी स्कीम में फंस जाएंगे और आपकी पढ़ाई कुछ भी काम नहीं आने वाली। आपको बचा सकता है सिर्फ तो वह है कि आपका जो विवेक है यदि वह जागृत है, और आप लोभ मोह क्रोध द्रोह भय इन सब से मुक्त हैं तो ही आप बचेंगे, अन्यथा आप नहीं बचेंगे। तो शुद्ध ऐसे नकारात्मक लोगों से आप बच के रहें, दूर रहें। और काला जादू सिर्फ वही नहीं होता है जो कि लौंग लेकर के कोई मंत्र पढ़ता है, वही काला जादू नहीं कर रहा, वो अभी कर रहा है लेकिन सिर्फ वही नहीं कर रहा, उसके रूप जमाने के हिसाब से बदलते रहते हैं, व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहते हैं। लोग से नहीं डरेंगे, चाकू से तो डरेंगे, चाकू से डरा देगा, वो अभी काला जादू है। जो भी हमारे चरित्र में कालापन है वह ये सब सब भ्रम है। दुनिया के दो ही चीज तो दुनिया में है, एक ब्रह्म है जो सत्य है, दूसरा भ्रम है जो मिथ्या है, यही है। तो ये सब कुछ काला ही काला है, और काले का विस्तार कितना है देखते ही, प्रकाश जाके दिन हो जाता है, प्रकाश को स्रोत चाहिए, अंत में वह भी बुझ जाता है, और अंधकार इतना व्यापक है कि उसको निगल जाता है। अंधकार की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, अंधकार का साम्राज्य है, उसमें तो इक्का दुक्का कहीं कोई चमचमाता टिमटिमाता तारा है, ज्योति है, साम्राज्य तो अंधकार का ही है। तो आप अंधकार की ताकत को कम नहीं समझें,
काले की ताकत को कम मत समझे। काला भय का, मृत्यु का, नकारात्मकता का सबका परिचय परिचायक है। सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है और रोशनी को अवशोषित कर लेता है। तो जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ज्ञान को अवशोषित कर लेता है, उसकी ताकत को आप कम आंकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उतने बुद्धिमान अभी नहीं है। आपको ऐसे लोगों के शरीर की भाषा समझनी चाहिए। ऐसे लोगों की भाषा रुखी होगी, ऐसे लोगों की भाषा कुछ जल्दी बोलेंगे, ये सब तेज बोलेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, मीठा भी बोल सकते हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन उनकी भाषा चाहे किसी भी तरह की हो, उनकी आंखों में चमक होती है। आंख स्थिर नहीं होते, आंख स्थिर सिर्फ अच्छे आदमी का होता है, और आंखें बड़ी नहीं होगी ऐसे लोगों की, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उठी उठी भरी भरी, शांत आंखें नहीं होंगी, संयमित न भाषा होगी न संयमित बैठेंगे, क्योंकि बेचैन लोग होते हैं, इनका सब कुछ हिलता जुलता रहता है। सर हिलेगा, आंखें पुतलियां हिलेंगी, हाथ पैर हिलेंगे, बहुत ज्यादा हिलेंगे। वे एक टीचर के वेश में भी हो सकते हैं, ये मत समझिए कि शिक्षक है तो ये नहीं है, वह भी एक काला जादू करने वाला हो सकता है, तो फरेब धोखाधड़ी सब कर सकते। पुरुष हो स्त्री हो सभी कर सकते हैं। उनके मुंह पास में बन सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सारे लोग टेक्निक लगाते हैं। कोई सेंट छिड़क रहा है, सेंट क्यों लोग छिड़कते हैं? क्या स्वयं की खुशबू लेने के लिए? नहीं, दूसरे को मोहित करने के लिए, यही काला जादू है। जो सेंट लगा के चल रहा है काला जादू कर रहा है। जो सत्य और न्याय के सिवाय कुछ बोलता है वो सब काला जादू वाले हैं। अब दीपावली है, अब जुआ खेल रहे होंगे, सब काला जादू वाले हैं। सब काला जादू वाले ही है जो जुआ खेलेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। सिनेमा वाले हैं, एक्टर हैं, सब क्या है, सब काला जादू है। एक ब्रह्म के सिवाय सब काला जादू है। आपके नेता क्या कर रहे हैं? काला जादू ही तो कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, उनका सम्मोहन समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े मंचों पर भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, टेलीविजन पर आना, झूठे झूठे वादे करना, सब अपने लोगों को और अपने समर्थकों को, आपके धन को उनको दे दे करके खिलाते रहना, आपको गरीब बनाते रहना, अपने समर्थकों को अमीर बनाते रहना, तो काला जादू है। इसका रेंज बहुत बड़ा है। अमूमन लोग सोचते हैं काला जादू वही करता है जो कहीं एक हड्डी खोपड़ी लिया हुआ है और वो जो शमशान घाट में कर रहा है वो काला जादू कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वह तो एक ज्यादा उभरा हुआ मुखौटा है, छोटा सांस है। जितने लोग धोखा देने वाले हैं, जितने लोग फंसाने वाले हैं, जितने लोग धमकाने वाले हैं, मारने वाले जो कह रहे हैं सरतन से जुदाई, क्या है काला जादू है? मारण, ये मारण है।
सर तन से जुदा वाले क्या है मारण, तो ये समझ लीजिए इस चीज को। तो काला जादू का है, अब इनसे बच के रहने का उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, आप इनको पहचान लीजिए, सत्य और न्याय पर टिकिए, लोभ में मत रहिए और भयभीत मत रहिए, ऐसी शक्तियों का मुकाबला कीजिए बुद्धि से, बल से, हर तरीके से। कि बताए हुए स्कीम में मत फंसिए, जो जितना बड़ा लालच देता है वो उतना बड़ा जादूगर है, काला जादू करने वाला। ओम।